इंग्लैंड ने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स को ब्रिस्टल में हुई लड़ाई में शामिल न होने के कारण अगले नोटिस आने तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है। दो दिन पहले ही बेन स्टोक्स को इस साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशेज की टीम में उपकप्तान के तौर पर चुना गया था और अब इस ऐलान के बाद अब उनका एशेज में खेलना भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स को अगले नोटिस तक इंग्लैंड के इंटरनेशनल मैचों के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि शुक्रवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ साउथहैम्पटन में खेले जाने वाले आखिरी मैच में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा ईसीबी ने कहा, इंग्लैंड क्रिकेट के निदेशक एंड्रयू स्ट्रॉस इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उनका केस को क्रिकेट अनुशासन कमेटी के पास भेजेंगे, जिसके अध्यक्ष टिम गोरमैन होंगे। इन सब फैसलों को ईसीबी का पूरा समर्थन है, जिन्होंने उस हादसे की लीक हुई फुटेज को देखने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया गया। सन ने इस हादसे की फुटेज को पोस्ट किया था, जिसमें स्टोक्स और हेल्स के अलावा दो और लोग मौजूद थे जिनके साथ उनका हाथ हाथापाई हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स को इस हादसे के दौरान माइनर फ्रैक्चर आया है और उन्होंने अरेस्ट होने के लिए ईसीबी से माफी भी मांगी है। एशेज से पहले इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्यों कि स्टोक्स इस टीम के अहम सदस्य थे और उनके इस तरह से बाहर होने से टीम के ऊपर भी खराब असर पड़ सकता है। स्ट्रॉस ने इसके ऊपर कहा, इस तरह के हादसों के बाद या तो टीम एक साथ आ जाती है या फिर टूटकर जो गुटों में बंट जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि खिलाड़ी एक साथ आकर शानदार प्रदर्शन करें।